गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, चैप्टर सिक्स टिश्यूज रनिंग है बच्चों। और इस चैप्टर के अंदर हम परमानेंट टिश्यूज डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के लिए। तो कल हमने स्टार्ट किए थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यूज एंड द फर्स्ट टाइप इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये थ्री टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्पेरेन्काइमा। कल की क्लास में हमने पैरेन्काइमा की स्केच को डिस्कस किया था। ये जो टिश्यूज है पैरेन्काइमा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर अपन कोलेन्काइमा स्टार्ट करते हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो ओवल, सर्कुलर या इलोंगेटेड हो सकती हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और ये जो टिश्यूज हैं, ये इनकी जो सेल्स है लिविंग होती हैं, और ये एपिडर्मिस के अंदर, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर, एंडोडर्मिस में, पिथ में, सभी मैक्सिमम पाए जाने वाले टिश्यू हैं ये। फ्रूट्स के अंदर भी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना, फूड का स्टोरेज करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना प्लांट पार्ट को। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट था पैरेन्काइमा का। आज हम स्टार्ट करते हैं कोलेन्काइमा, सेकेंड जो टाइप है, सेकेंड जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कोलेन्काइमा। और मैंने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही टाइप की सेल्स के मिलने से बनते हैं। दे आर फॉर्म बाय सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ओके, जो कोलेन्काइमा है ये साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में जो सिमिलर सेल्स हैं उनके एग्रीगेशन से बनते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कोलेन्काइमा। जो कोलेन्काइमा है बच्चों, ये भी इनकी सेल्स भी लिविंग होती है, लेकिन इनके जो सेल वॉल है थिक होती है, इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं क्योंकि वहां पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, तो इनकी सेल्स के कॉर्नर्स थिक होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, और जनरली जो डाइकॉट प्लांट हैं उनके स्टेम के हाइपोडर्मिस के अंदर, हाइपोडर्मिस पार्ट के अंदर जो स्टेम के कोलेन्काइमा के बने होते हैं ये। ठीक है, और ये जो टिश्यू है मेनली मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं।
ये ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए बच्चों, ये स्केच है ट्रांसवर्स सेक्शन का, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलेन टाइमा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये तो है न्यूक्लियस, और ये है वैक्यूल, और ये बच्चों डिपोजिशन है, यहां से ले लेते हैं सेलुलोज, डिपोजिशन
of cellulose, comma, hemicellulose and pectin. ठीक है, बेटा जो भी बात करनी है लास्ट में बात करेंगे, पहले आप इधर देखिए कॉलन काइमा का ये ट्रांसफर सेक्शन है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया इनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होते, ये बच्चों इनमें वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ ये जो कॉर्नर्स है बच्चों, यहाँ पर देखिए डिपोजिशन है सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, तो यहाँ पर थिकनेस पाई जाती है। बेटा हैंड डाउन कर लो, हाँ ठीक है बच्चों, तो कॉर्नर इनके थिक हैं, ठीक है। अच्छा एक और डायग्राम है एलएस ऑफ कॉलन काइमा, वो भी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। हेलो भव्या, सर मैं स्टेट सर क्या वो हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, यस भव्या एंड्रेस क्यों किया है सर, वो गलती से हो गया, दो मिनट नहीं तो बेटा ध्यान रखो ना आप, ठीक है सर, वो एंड डाउन कर लो अपना, यस ये बच्चों एलएस है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कॉलेन काइमा,
ठीक है, और ये डिपोजिशन है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, एंड पेक्टिन का, ये बच्चों न्यूक्लियस है, और ये वैक्यूल है, ठीक है बच्चों। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो मेन फंक्शन क्या है, पोलन काइमा के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी देना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। अच्छा, ये जो लीव्स है, लीव के स्टॉक में भी पाए जाते हैं, मिडरिब में भी, मिडरिब जो होती है लीव्स की, वहां भी पोलन काइमा पाए जाते हैं। एक नाइन्थ क्लास में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रॉपर नेम से क्लास को अटेंड करें। ये डिफरेंट टाइप के जो नेम लिख के आप ज्वाइन करते हो क्लास को, ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि ये भव्या दादीच है, मानव सूदिया है, सोहेल खान। बेटा प्लीज आप अपने सिंपली जो नेम है उसी से एंटर करें। हाँ, तो प्लीज बेटा आप अपने नाम से ही आया करें क्लास के अंदर। चलिए बच्चों, ये कॉलन काइमा था। नेक्स्ट जो टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो है स्क्लेरेन काइमा। जल्दी से कंप्लीट करते हैं उसको। बच्चों जो थर्ड टाइप है वो है स्क्लेरेन काइमा। बच्चों जो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू है, इनकी जो सेल्स हैं डेड होती हैं, ये डेड टिश्यूज हैं, और ये प्लांट के हार्ड पार्ट्स में पाए जाते हैं, मोनोकोट स्टेम के अंदर, ठीक है, सीड की जो कवरिंग है उनमें, जो नट्स की कवरिंग, हार्ड कवरिंग होती है उनमें, कोकोनट की जो हस्क होती है उसके अंदर स्क्लेरेन काइमा पाए जाते हैं। तो ये डेड टिश्यूज हैं और ये प्लांट के हार्ड पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो मेनली ये मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट। बच्चों एक डायग्राम बना रहा हूँ स्क्लेरेन काइमा का।
बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है ये तो है पिट्स, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है स्क्लेरिट की, ये पिट्स हैं और ये बीच का ल्यूमेन है, ठीक है, ये बीच का ल्यूमेन है, ये पिट्स हैं और इनकी जो सेल्वो, हाँ एक चीज और बच्चों, ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है इनकी जो वॉल है वो थिक होती है, रिजिड होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसकी डिपोजिशन लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से थिकनेस पाई जाती है, और जहां जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता वहां पर पिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो डायग्राम है बच्चों ये ट्रांसवर सेक्शन का है, ट्रांसवर सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो ये पिट्स हैं और ये ल्यूमेन है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। तो ये पिट्स हैं बच्चों और ये ल्यूमेन है, ये पिट्स हैं और ये ल्यूमेन है, एंड दिस इज द स्केच ऑफ एलएस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, ये LS है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये LS है स्क्लेरेन्काइमा का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है थिक होती है, रिजिड होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। ओके, एंड वेरेवर जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता वहां पर पिट्स पाए जाते हैं। ओके, नाइन्थ क्लास इस टॉपिक के बाद में मैं आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक्सप्लेन करूंगा, और वो होने के बाद में अपन चैप्टर 5 की एक्टिविटीज को समझेंगे। एक बार एक टॉपिक हो जाए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, देन फिर एक्टिविटीज के पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरली बच्चों प्लांट की सेल्स को स्टेन करने के लिए स्लाइड बनाते समय सेफ्रेनिन सॉल्यूशन काम में लेते हैं, और एनिमल सेल को स्टेन करने के लिए मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो एक से अधिक टाइप के, टू और मोर टाइप्स की जो सेल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके कंबाइन होने से बनते हैं। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों टू टाइप्स के हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है जाइलम,
और सेकंड है फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मोर देन ऑफ टू टाइप्स टाइप के जो सेल्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनके मिलने से बनते हैं ये। जाइलम एंड फ्लोएम इनके एग्जांपल हैं। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जाइलम, जाइलम को पढ़ेंगे हम। तो जाइलम बच्चों फोर टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं, ट्रैकेट, ठीक है, ट्रैकेट, वेसल्स, ठीक है, जाइलम, फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। बच्चों जाइलम जो टिश्यूज हैं ये बने होते हैं ट्रैकेट के, वेसल्स के, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ये फोर कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने से जाइलम बनते हैं। इनमें बच्चों जो ट्रैकेट, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स ये डेड एलिमेंट हैं, ठीक है। ट्रैकेट, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स दीज आर द डेड एलिमेंट, ओके। एंड जाइलम पेरेन्काइमा इज द लिविंग एलिमेंट, इनकी जो सेल्स है लिविंग होती है। यस, लास्ट में बात करेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होने से, ठीक है। तो मैं बच्चों ट्रैकेट्स और वेसल्स का स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। ये बच्चों ट्रैकेट्स का डायग्राम है और नेक्स्ट लेते हैं वेसल्स।
बच्चों ध्यान से देखिए, ये ट्रैकेट्स हैं, ये भी डेड होते हैं, और ये वेसल्स हैं, और ये भी डेड एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये एक के बाद एक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये बच्चों इनमें पोर है, छेद है, तो इनके अंदर से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ऊपर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के वेस्कुलर बंडल को बनाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिनमें जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम एंड मिनरल्स जो है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू द लीव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन के अंदर ऊपर तक। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों ये जाइलम का पार्ट था। फ्लोएम का जो टॉपिक है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल कुछ एक्टिविटीज समझेंगे जो चैप्टर 5 से रिलेटेड है। अभी आपको कोई भी यदि डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर दें आप। हाँ एक सेकंड बेटा, उसी बात करना चाह रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यस खुशी। सर आपने जो है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो थर्ड बताया था ना स्कैलेनक्लाइमा, उसमें जो आपने लेजनीन बताया था ना, वो क्या होता है? लिग्निन। हाँ लिग्निन एक सब्सटेंस है, लिग्निन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, और वो स्पेशली स्कैलेनक्लाइमा टिश्यू की जो सेल्स है उनकी वॉल पर डिपोजिट हो जाता है, और जिससे हार्डनेस और थिकनेस आ जाती है। ओके सर। हेलो हेलो। हाँ सर, अभी आपने ना वो बताया था ना स्कैलेनक्लाइमा का डायग्राम बताते समय कि ना वो पिट्स और ना ल्यूमन क्या होता है, तो सर उनके फंक्शन क्या होते हैं, पिट्स और ल्यूमन क्या काम करता है? देखो पिट्स तो वो हिस्से हैं जहाँ पर लिग्निन नहीं है, तो जहाँ लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है वो पिट्स है, और जो सेंट्रल पार्ट है, जो खाली स्पेस है सेंट्रल पार्ट, उसे हम कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। तो मेनली ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, ये जैसे नारियल देखा आपने, तो नारियल का जो हस्क वाला पार्ट है, हार्ड पार्ट है, उनमें ये क्योंकि ड्राई होते हैं, डेड होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इनका काम स्ट्रेंथ देना होता है, मेन मजबूती प्रदान करना प्लांट के अंदर, ठीक है। ओके सर। हाँ मेन स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन यही है कि स्ट्रांगनेस, रिजिडनेस, स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड कराना प्लांट को, ठीक है। ओके सर, चलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये जो सर आपने जो ट्रैकेट्स बताए थे ना सर, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सर वाटर और मिनरल्स को सर ऊपर वाले ऊपर की डायरेक्शन में, तो सर ये वेसल्स के क्या फंक्शन है सर? वेसल्स का भी यही फंक्शन है, ठीक है ना। ट्रैकेट्स और वेसल्स ये पार्ट, ये कंपोनेंट है जाइलम के, तो जाइलम इनके थ्रू, इनके पोर्स के थ्रू जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। ये इसमें ये जो जाइलम फाइबर्स है और जाइलम पेरेंचाइमा है, वो आप कल समझाओगे क्या? नहीं वो समझा दिया ना, जाइलम फाइबर्स फाइबर है जो कि सपोर्ट देते हैं जाइलम को। अच्छा। और पेरेंचाइमा लिविंग सेल्स है जो जाइलम के, मतलब ये चारों कंपोनेंट मर्ज होके और ये जाइलम बना लेते हैं, ठीक है ना। जिनमें ट्रैकेट्स, वेसल्स और का काम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, जबकि जाइलम फाइबर्स का काम है एडिशनल सपोर्ट देना जाइलम को, ठीक है। और पेरेंचाइमा लिविंग सेल्स है, ठीक है, जो कि एनर्जी का फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस करना, ये सब पार्ट करते हैं, ठीक है। और सर स्क्लेरेनकाइमा में जो आपने फंक्शन बताया, आप इतना ध्यान रखो जाइलम के फोर कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंचाइमा, ये इनका डायग्राम है, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, और सर स्क्लेरेनकाइमा में सर आपने वो क्या समझाया था, वो मेरे आवाज धीमी आ रही थी आपकी, समझ में नहीं आया थोड़ा। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड सेल्स के बने होते हैं, और इनकी सेल्स डेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, ठीक है। तो प्लांट के जो हार्ड पार्ट है, जिसकी सीड है, नारियल की जो हस्क है, इन सब में ये पाए जाते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं ये, ठीक है। ठीक है सर। चलिए। हाँ हेलो सर।
सर मुझे कॉलन काइमा के फंक्शन दोबारा समझने सर कॉलन काइमा लीव के स्टॉक में, लीव की मिडरिब में, स्टेम के अंदर, एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के अंदर कॉलन काइमा पाए जाते हैं और इनका काम होता है प्लांट को इलास्टिसिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। वैसे मैंने नोट्स भेज रखे हैं आपको ऑलरेडी, एक बार आप रिवाइज भी करें उसको। नोट तो सर उतार रखे हैं पर सर क्लास में एक बार। हाँ और कोई? हेलो सर। हेलो।